लेके आई चिकन टिक्का रोल, और आज मैं ये अच्छा सा बढ़िया एकदम चिकन टिक्का रोल बनाने वाली हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग ज़रूर इसको फॉलो कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनेगा। ये देखिए हमारे पास में 300 ग्राम चिकन बोनलेस है, इनके छोटे छोटे मैंने क्यूब्स बना लिए हैं ये इस तरीके से, ये देखिए। फिर उसके बाद में ये हमारे पास में कुछ इन्ग्रीडियंट्स है, ये मेरे पास में 2 चम्मच दही है, और ये मेरे पास में 1/2 टीस्पून चिली पाउडर है, लाल मिर्च का पाउडर, और 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, और ये फूड कलर है, और ये नमक है, और ये मेरे पास में शान का टिक्का मसाला है, ये इसके अंदर जाएगा। और चलिए हम लोग बताते हैं अभी कैसे बनेगा। ये देखिए इसके अंदर मैं ये दही ऐड कर रही हूँ, फिर इसके अंदर ये मिर्ची डाल दूँगी, ये अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा इसके अंदर, इसमें नमक ऐड करूँगी, उसके बाद में ये मैं इसमें शान का टिक्का मसाला डालूँगी, एक दो से 2.5 चम्मच इसमें टिक्का मसाला चला गया है, फिर इसके अंदर ये फूड कलर डालूंगी, फिर उसके बाद में इसको मिक्स कर दूंगी अच्छे से मिला के, और फिर इसको साइड में कुछ 1 घंटे के लिए लगा के मसालों को हम रख देंगे। ये देखिए अच्छे से मैंने इसको हाथ से मिला दिया है, और इसको मैं 1/2 घंटे से 1 घंटा तक ऐसे ही साइड में लगा के रख दूंगी, फिर आगे का हम लोग डो तैयार करते हैं। चलिए ये देखिए अभी हम इसका सॉस बना रहे हैं, ये मेरे पास में 1/2 कप दही है, और फिर ये मेरे पास में कुछ पाउडर है, 1 टीस्पून मैंने गार्लिक पाउडर लिया है, और ये जो है नमक है 1/2 टीस्पून, ये काली मिर्च है, इसके अंदर ये सब इसके अंदर जाएगा, फिर इसको हम मिक्स कर देंगे अच्छे से, और फिर इसके अंदर 1/2 कप हम मेयोनीज डालेंगे, ये देखिए। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर देना है, ये सॉस रेडी हो जाएगा हमारा एकदम बहुत ही टेस्टी। इसको मैं बना के अभी फ्रिज में रख दूंगी, अगर आप इसमें हंकट दही लेंगे तो और अच्छा होएगा, एकदम थिकनेस वाला सॉस बनेगा, उसका फ्लो अलग होगा। ये देखिए हमारा सॉस रेडी हो गया है, ये हम रोल के अंदर डालेंगे। चलिए इसको मैं फ्रिज में रख दे रही हूँ, बाकी की तैयारी करेंगे जब तक के। ये मैदा है, ये मैं इसमें 1 कप मैदा ली हूँ, और भी मैदा डालूँगी, 2 से 3 कप मैदा ले लेंगे, और ये दूसरा कप है, और 1/2 कप और ले लेंगे। ये देखिए ये 1/2 कप और ले लिया है मैंने, अब इसका डो तैयार करते हैं, डो को बना के हम लोग रख देंगे, और फिर उसके बाद में ये देखिए ये मैं इसके अंदर 2 चम्मच तेल डाल ली हूँ, ये जाएगा इसके अंदर, ये 2 चम्मच इसमें दही जाएगा, और ये मैं इसके अंदर नमक डाल ली हूँ 1 चम्मच, पूरा भरा नहीं था मैंने नमक 1 चम्मच का, और इसको हमको मिला लेना है अच्छे से आटे को। इसको बना के रख देंगे पहले से ढक के रेस्ट करने के लिए, फिर हमारी जो रोटियां हैं पराठे जो भी वो बहुत ही सॉफ्ट और अच्छे बनेंगे, इसके अंदर हम टिक्का जो बनाएंगे अंदर रोल डालेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे, Thank you.
ये देखिए एकदम सॉफ्ट डो लग गया है। अच्छे से इसको मैंने गूंद लिया है, काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। और इसको हम अभी रेस्ट करने के लिए इस तरीके से कपड़ा लगा के ढक के रख देंगे। चलिए अब सॉस तैयार करते हैं हम लोग। ये देखिए डो कितना सॉफ्ट हो गया है, आधा घंटे से रखा हुआ था, एकदम ही बहुत ही नरम और बहुत बढ़िया डो बन गया है हमारा। ये देखिए इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से रोल करेंगे, बहुत ही अच्छा आटा बन गया है। अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। इस तरीके से इसको रोल कर लीजिए, रोल करने के बाद में पेड़े बनाएंगे। छुरी से कट कर लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 सात पेड़े बने हमारे 2.5 कप आटे में, इनके पेड़े बना बना के हम रख लेंगे। ये हमारे पेड़े रेडी हो गए हैं और हम इसको बेलेंगे पराठे को। यहाँ पे थोड़ा सा आटा डालेंगे। थोड़ा सा तेल डालेंगे, हल्का सा तेल को इस तरीके से लगाएंगे। इस तरीके से इसको यहाँ से कट करेंगे। कट करने के बाद में इसको रोल करेंगे इस तरीके से। इसके ये बाकी के पेड़े हम बनाएंगे पूरे के पूरे, सब जितने हैं इसी तरीके से। ये देखिए दूसरे को भी मैं इसी तरीके से कर रही हूँ। इसमें थोड़ा तेल लगाया है, फिर उसके बाद मैं इसको कट कर लिया है, इस तरीके से रोल किया है। यूँ रोल कर लेना है जिसमें इसके परते बनेंगे थोड़ी, और अच्छा लगेगा बनाने में। ये देखिए इस तरीके से उसको कर लेना है, फिर उसको थोड़ा सा ऐसा रोल कर लेना है, ऐसा घुमाना, ऐसे टर्न करना, ऐसे 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 करके, और ये हो गया। ये देखिए सारे पेड़े बन गए हमारे। और फिर उसको हम लोग अभी बेलेंगे, बेल के बनाएंगे इनके पराठे। देखिए अब हम लोग इसके पराठे तैयार करेंगे। और ये मैंने तवा भी अब गैस पे रख दिया है, गैस ऑन कर दिया, तवा हमारा गर्म हो रहा है। किनारे किनारे भी इनके अच्छे से बेल लें, बीच से जाड़ा और किनारे से पतला, ऐसा नहीं रहे, बराबर से एकदम रहे इसकी लेयर किनारों की भी। ये देखिए एकदम राउंड अच्छे से बन गया है। ये देखिए तवा हमारा गर्म है, उसके ऊपर डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल डालेंगे हम लोग इस तरीके से। फिर इसको आप सेकिए।
सब बाकी के भी जितने भी पराठे हैं हमको इसी तरीके से हम बना लेंगे। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार बने हैं, एकदम अच्छे नरम नरम। रोल भी बहुत बढ़िया बनेंगे इसके। हो गया ये देखिए पराठा रेडी है हमारा। बाकी के भी इसी तरीके से मैं पराठे बना के और फिर उसमें रोल भर लूंगी। आप हमारे चैनल बरियाल गणेश को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज प्लीज प्लीज। ये देखिए मैंने पैन चढ़ा दिया है गैस के ऊपर और फ्लेम ऑन कर दे रहे हैं। फ्लेम ऑन हो गई है और अभी पैन मेरा गर्म हो रहा है। थोड़ा सा इसमें मैंने ऑयल डाला है ये टिक्का बनाने के लिए, और मैंने जितनी भी ये चिकन मैरिनेट करके रखी थी उनको सबको इसमें ऐड कर दूंगी। मैं सब डाल दूंगी। इसमें का जो पानी था बर्तन का वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दी हूँ। इसको मैं ऐसे चला के फिर उसके बाद में फिर इसको मैं 20 मिनट के लिए 10 से 15 मिनट के लिए इसको मैं मीडियम स्लो पे रख देती हूँ और अच्छे से ये पक जाए। ये देखिए चिकन हमारा रेडी हो गया टिक्के का। एकदम मस्त खुशबू आ रही है, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है ये हमारे टिक्के के। इसको अच्छे से कुछ थोड़ा सा भून लेंगे, बहुत ही मज़ेदार रोल बनेगा। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अच्छा लगेगा। और आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़। ये रोल देखिए मेरा ये चिकन का ये तैयार हो गया है बैटर, और इसको अभी हम निकाल लें साइड में रख देते हैं ठंडा हो जाए, और बाकी की रोटी पराठे हैं वो रेडी करते हैं हम लोग। चलिए गैस फ्लेम को ऑफ करते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए बरियान ग्रामर के लिए, स्किन केयर प्रोडक्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। रोल रेडी करेंगे हम लोग, इसके अंदर ये चिकन स्टफ करेंगे, अंदर चिकन को ऐसे डालना है अपने को। बहुत ही टेस्टी, वाह बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। उसके अंदर ये आप उसमें प्याज गार्निश कीजिए इस तरीके से। फिर आप इसमें सॉस मैंने जो बनाया था वो सॉस को भी देखिए मैंने फ्रिज में रख दिया था। इसके ये देखिए थिकनेस कितनी अच्छी हो गई है, बहुत ही टेस्टी हो गया। इसको भी हम अंदर इसमें डालेंगे। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा रमज़ानों में, बहुत अच्छा लगेगा। आप ऐसे भी बना सकते हैं बिना रमज़ान के भी। और हमारा ये देखिए रोल रेडी है। इसको टूथपिक लगा के ऐसे सपोर्ट दे देंगे, इसमें ये गिरे नहीं। दूसरा भी हम इसी तरीके से रेडी करेंगे। पहले चिकन को स्टफ करेंगे हम लोग ऐसा। मैंने कुछ नगेट्स बनाए हैं उनको भी मैं अभी डालूंगी गार्निशिंग में। और अगर आपको नगेट्स की रेसिपी चाहिए तो हमको सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिए प्लीज़, और लाइक कीजिए हमको। अभी हम इनके साथ में नगेट्स सर्व करूंगी, तो बहुत ही अच्छे बहुत ही टेस्टी है वो भी। ये देखिए हमारे रोल रेडी है। Thank you.